जमीन माफिया सुधर जाए, नहीं तो उल्टा टंगेगा। कौन है रोहिणी, हम नहीं जानते। कौन है रोहिणी आचार्य, हम रोहिणी आचार्य को नहीं जानते। जो लोग इस देश में रहते हैं, बात आप उनकी कीजिए। जो लोग इस देश के बाहर रहते हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते। यह बोल जो है वो दिलीप जायसवाल के हैं। जब एक पत्रकार ने रोहिणी आचार्य को लेकर जब उनसे सवाल किया तो उन्हें यही जवाब दिया है। वहीं जब भूमि सर्वे में जिस प्रकार से धांधली की बात सामने आ रही है, लोग पैसे ले रहे हैं, उसकी बात जब कही गई, उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार की बात जो है वो गलत है। लोग ह्यूमर फैला रहे हैं और भूमि सर्वे में कहीं पैसा नहीं लिया जा रहा है। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से भूमि माफिया पर जब सवाल किया गया, उन्हें इस पर भी स्पष्ट कर दिया कि जो भी भूमि माफिया है उनको उल्टा लटकाने का काम करेंगे। तो आइए सुनवाते हैं आपको किस प्रकार से दिलीप जायसवाल जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। कौन है रोहिणी, हम नहीं जानते। अपने देश के लोगों से बात कीजिए, हम उसको नहीं जानते। सर, जमीन माफिया के लिए क्या करिएगा? जमीन माफिया सुधर जाए, नहीं तो उल्टा टंगेगा। सर, पैसे लिए जा रहे हैं बस, उल्टा टंगेगा। आप चिंता मत कीजिए, उल्टा कोई नहीं, एक भी आदमी पैसा नहीं दे रहा है। ये सब इसी तरह का र्यूमर है, अगर कोई पैसा लेगा तो उल्टा टंगेगा। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे थे। रोहिणी आचार्य को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। वहीं जब दूसरी तरफ उनसे पूछा गया भूमाफिया को लेकर, तो बोल रहे भूमाफिया सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, अगर वो लोग नहीं सुधरते हैं तो उनको उल्टा लटकाने का काम किया जाएगा। आपको हम बता दें, जब भूमि सर्वे के बारे में पूछा गया, जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 3 दर्जन से अधिक लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी जो लोग सम्मिलित पाए जाएंगे, जिनकी बातें अगर सामने आएगी, जनता कोई कंप्लेन करती है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन वो आज साफ तौर पर मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सब ह्यूमर्स है और ऐसा जो है कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ मिलता है, पाया जाता है, जानकारी मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि भूमि सर्वे में लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और दलालों के साथ मिलकर वो अपना काम करवाना चाहते हैं, जिस कारण से पैसे की ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। इसमें कई लोग जो है शामिल रहते हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया कि सब बातें जो है वो गलत है, झूठ है, अफवाह है, लोग जो है जानबूझकर ऐसा ही उम्र फैला रहे हैं। अब देखना होगा भूमि सर्वे में जिस प्रकार के वीडियोस सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके बाद भी दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बातें जो है वो गलत है, लोग उम्र फैला रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को